नमस्ते, मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूँ जीके पॉइंट स्टडी में। और हमारे चैनल की टैगलाइन है बी अपडेट इन योर लाइफ। और आज हमारे सामने चर्चा का विषय है 11वीं कक्षा में कौन से विषय का चुनाव करें, विच स्ट्रीम इज बेस्ट इन 11th क्लास। 10th का रिजल्ट आ गया है, बहुत सारे बच्चों ने डिसीजन ले लिया है, बहुत सारे बच्चे असमंजस में दोस्तों के हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं इसकी, और लास्ट तक वीडियो को देखें और लाइक ज़रूर करें। Have you passed 10th class? Are you still confused? Which stream is best? क्या आपने 10th class पास कर लिया है? आप अभी तक असमंजस में हैं, 11th में कौन सी स्ट्रीम बेस्ट है? How do you select a stream? आप किसी स्ट्रीम का, किसी विषय का चुनाव करते कैसे हैं? पहला है on the basis of traditional method, percentage कम ज़्यादा आई, ज़्यादा परसेंट वाले को मैथ या बायोलॉजी लेने हैं, कम परसेंट वाले को कॉमर्स, फिर आर्ट लेने हैं और बाकी होटल मैनेजमेंट या अन्य विषय ले रहे हैं। तो परसेंटेज के आधार पे मम्मी पापा बताते हैं, उस आधार पे करते रहते हैं। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट्स एडवाइस, पेरेंट्स सलाह देते हैं उसके हिसाब से करते हैं। तीसरा तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ चॉइस ऑफ फ्रेंड, आपके दोस्त ने बायोलॉजी ले लिया तो आप भी बायोलॉजी लेना चाहते हैं। ये पारंपरिक तरीके हैं जिससे आप किसी सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं 11th क्लास में। व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू सेलेक्ट स्ट्रीम इन 11th क्लास, 11th क्लास में विषय का चुनाव करने के लिए सबसे बेहतर पद्धति क्या है? डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन, किस आधार पर होना चाहिए? योर इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट क्या है? स्कोर ऑफ 10th क्लास, 10th क्लास में आपकी मार्कशीट ने क्या कहा है? तीसरा है फैमिली बैकग्राउंड, जैसे अगर डॉक्टर होते हैं माता पिता, कई बार बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं और बच्चे का मन स्पोर्ट में है, तो वो पहली बात होगी, इंटरेस्ट प्रायोरिटी पे है, फिर स्कोर है, तीसरा फैमिली बैकग्राउंड। लेकिन अगर आपका थोड़ा इंटरेस्ट है, मामा मम्मी पापा डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर बनने में जाएँ अच्छा होगा, पापा सीए हैं और वो कहते हैं कि आप सीए की डायरेक्शन में जाएँ तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस है, पहला आपका इंटरेस्ट डिसाइड करेगा, दूसरा आपकी मार्कशीट और तीसरा आपका फैमिली का बैकग्राउंड। केस फर्स्ट, ये नाम रोबिन शर्मा की, एक हमने काल्पनिक मार्कशीट ली है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी या पंजाबी जो मातृभाषा है उसमें इनके नंबर हैं 65, इंग्लिश में 70, साइंस में 67, सोशल साइंस में 88, मैथमेटिक्स में 55, तो 345 है 500 में से और इनकी परसेंट आ रही है 69। तो इनके सबसे ज़्यादा जो मार्क्स आपको दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं सोशल साइंस में, और मैथमेटिक्स में सबसे कम है, 55 नंबर आए केवल, और इंग्लिश में 70 हैं, ठीक ठाक हैं, और जो मातृभाषा है उसमें 65 हैं। तो क्या करना चाहिए रॉबिन को, ज़रा देखें इस केस में, इन्हें आर्ट्स लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि सोशल स्टडी में अच्छे मार्क्स हैं, इनकी इंग्लिश भी अच्छी है, हिंदी भी इनकी ठीक ठाक है, और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं आगे जाकर के। केस सेकंड, रॉबिन की मार्कशीट अगर ऐसी दिखती है, हमें हिंदी में 65 नंबर हैं, इंग्लिश में 80 हैं, इंग्लिश में अच्छे नंबर हैं, साइंस में 67 हैं और सोशल साइंस में 88 हैं, मैथमेटिक्स 65 है, सोशल साइंस में यहाँ सबसे ज़्यादा नंबर हैं इनके फिर से एक बार, लेकिन इंग्लिश में भी अच्छे हैं, मैथमेटिक्स भी थोड़ा बेहतर है यहाँ पे 65 है और परसेंट इनकी 73। तो इन्हें कॉमर्स लेना चाहिए, कॉमर्स क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स में इनके ठीक ठाक मार्क्स हैं, इंग्लिश भी इनकी अच्छी है, तो कॉमर्स लेने से क्या होगा, कॉमर्स में मैथमेटिक्स का, स्टैटिस्टिक्स का काफ़ी सारा यूज होता है, तो अच्छा मैथमेटिक्स जो इनका ठीक ठाक जो मैथमेटिक्स है तो आप उसके सहायता से कॉमर्स को अच्छे से चला सकते हैं, आप आगे MBA या बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। केस थर्ड, अगर रॉबिन की मार्कशीट ऐसे दिखती है कि इनके हिंदी में 70 नंबर हैं, इंग्लिश में 75 हैं, साइंस में 92 सबसे ज़्यादा है, सोशल साइंस में कम है 68 हैं और मैथमेटिक्स में 70 हैं, साइंस में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं इनके, 75% बनी है रॉबिन की, तो इस दिशा में क्या करना चाहिए इन्हें? तो निश्चित तौर पर बायोलॉजी लेना चाहिए, साइंस में आपके ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप बायोलॉजी का चुनाव करें, मैथमेटिक्स में भी आपके मार्क्स ठीक ठाक हैं आप देख सकते हैं, और ये मेडिकल में, बायोटेक्नोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी के डायरेक्शन में जा सकते हैं। केस फोर्थ, रॉबिन की मार्कशीट अगर ऐसी दिखती है, हमें मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा नंबर है इनके 90, हिंदी में है 75, इंग्लिश में 80 हैं, साइंस में भी ठीक ठाक है 82 हैं, 83 हैं, 82% हो रही है टोटल यहाँ पे, तो मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा नंबर है यहाँ पे रॉबिन के, तो इन्हें मैथमेटिक्स लेना चाहिए, IIT NIT में जाना चाहिए या रिसर्च के डायरेक्शन में जाना चाहिए। केस फिफ्थ, अगर मार्कशीट रॉबिन की इस तरह से दिखती है, हिंदी में सबसे ज़्यादा नंबर है 85, इंग्लिश में 80, साइंस में कम है, सोशल साइंस में 53 है, मैथमेटिक्स में ठीक ठाक है और परसेंटेज इनकी 66, तो इनको आर्ट्स लेना चाहिए या ह्यूमैनिटीज़ की डायरेक्शन में जाके कैरी बनाना चाहिए, क्योंकि इनकी लैंग्वेज में मार्क्स अच्छे आए हैं पेचकर, तो आगे जाकर के ये MA इंग्लिश या MA हिंदी कर सकते हैं, उस डायरेक्शन में अपना कैरियर बना सकते हैं। केस फिफ्थ,
अगर मार्कशीट हमें ऐसी दिखती है 55% है, हिंदी में भी 55 नंबर है, इंग्लिश में 60 नंबर हैं, साइंस में 62 है, सोशल साइंस में 53 है और मैथमेटिक्स में 45 है, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, साइंस में 62 थे, इंग्लिश 60 थे, एवरेज परफॉर्मेंस है ये, तो आप होम साइंस या एग्रीकल्चर जैसे विषय का चुनाव कर सकते हैं। अगर बच्चियाँ हैं तो होम साइंस का चुनाव करें, अगर बॉयज़ हैं तो एग्रीकल्चर का चुनाव करें। केस 6, अगर मार्कशीट हमें ऐसी दिख रही है रॉबिन की कैसी, 60% आए इनके, हिंदी में 72 नंबर हैं, इंग्लिश में अच्छे हैं 78 हैं, साइंस में कम हैं, सोशल साइंस में 50 हैं, मैथमेटिक्स में 48 हैं, एक चीज़ याद रखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैथमेटिक्स वाला आगे निकल जाएगा, ये आपके इंटरेस्ट पे आप किसी चीज़ को कैसे परस्यू करते हैं, कितनी मेहनत से करते हैं, वो आपकी आगे की सक्सेस डिटरमाइन करता है। तो चिंता की कोई व्यवस्था नहीं है, जो एग्रीकल्चर ले रहा है या होम साइंस ले रहा है या होटल मैनेजमेंट ले रहा है वो भी ज़िंदगी में बहुत आगे निकल सकता है। तो इस स्थिति में आप होटल मैनेजमेंट या टूरिज्म विषय का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि होटल मैनेजमेंट का स्कोप भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और टूरिज्म का स्कोप भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।